आपको यहाँ एक अपडेट दे दूं कि यहाँ पर जितनी दुकानें हैं वो शाम को 7 बजे बंद होने लगती हैं, तो जो भी आपको शॉपिंग वगैरह करना है वो 7 बजे से पहले आप करें। आज मैं आपको सैर कराता हूँ बुखारा टावर के ऊपर से कि बुखारा जो सिटी है वो दिखती कैसी है। टावर का रास्ता आगे अंदर से है, कुछ उसकी फीस होगी जो कि होगी ज़रूर, ये तो मुझे पता। हाउ टू गो इनसाइड, हाउ इसका रास्ता आगे अंदर से है, वो देखो रास्ता मिल गया, कितनी फीस है, ऊपर का व्यू कैसा दिखता है, सारी चीजें दिखाता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, तो यहाँ से इसका रास्ता है। हाउ मच फीस फॉर देयर, सलाम अलैकुम, देयर हाउ मच, 50,000 फॉर हाउ मनी आवर्स, इट्स नॉट लिमिटेड बट इट्स वन टाइम फॉर वन डे, ओके नाइट, हाँ सो आई कैन गो मेनी टाइम, ओके लाइक गिव मी द फंड, 50,000 रुपये का है। बुखारा टावर, जिसे सुखो टावर के नाम से भी जाना जाता है, 1927 से 1929 के बीच में इसे आर्क के सामने बनाया गया था। ये एक जल मीनार के रूप में कार्य करता था। 1968 में इसके शीर्ष की लकड़ी की परतें जल गई और पानी की टंकी क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद टावर ने अपना मूल कार्य खो दिया, इसका उपयोग बंद हो गया और यह मालिकीन हो गया, मतलब इसका कोई सर्वे सर्वा नहीं बचा इस टावर का। जो सबसे पहले इसे बनाया गया था वो एक पानी की टंकी के रूप में बनाया गया था। 1990 के दशक में एक स्थानीय निवासी ने टावर में एक एलिवेटर जोड़ दिया। 1990 के दशक में एक स्थानीय जो व्यापारी थे उन्होंने क्या किया कि इसमें एक लिफ्ट जोड़ दिया एलिवेटर, और सबसे टॉप के हिस्से को बदल दिया रेस्टोरेंट के अंदर। लिफ्ट खराब हो जाने के बाद ये फिर से बंद पड़ गया। 2018 में फ्रांसीसी निवेश की भागीदारी के साथ दूसरा जीवन मिला इसे। 24 मार्च 2019 को एक नए नाम बुखारा टावर के तहत इसे फिर से खोल दिया गया, और जो ऊपर टॉप पे रेस्टोरेंट था उसे हटा दिया गया। अब ये एक पर्यटक के रूप में देखा जाता है, जो इसकी कुछ फीस पड़ती है, ऊपर से टॉप का नज़ारा आप ले सकते हो। नज़ारे के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, रात को 11 बजे तक वैलिड है, आप कितनी ही देर तक चाहो वहाँ बैठ सकते हो, पूरा नज़ारा ले सकते। ये आ गई अपनी लिफ्ट, ब्रदर यू कैन से दिस वे ओनली, ओह माय गॉड इट इज मच हायर, इट इज ऑन सो मच हाइट यार, वाओ 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 भाई इट इज टू मच हाई यार, लाइक ताशकंद यू कैन सी फ्रॉम देयर, ताशकंद 438 किलोमीटर, समरकंद 270 किलोमीटर, और सिमोन नॉर्थ इस तरफ, सिमोन नॉर्थ, ओ भाई पूरा नज़ारा ले सकते हो आप यहाँ से, लाइक निजनी नोगोर 3003 किलोमीटर, सेंट पीटर्सबर्ग 3254 किलोमीटर, पेरिस 6051 किलोमीटर, रोम, दमस्कस, मैड्रिड, अंकारा, कायरो, लॉट्स ऑफ प्लेसेस नेम रिटन हियर, यू कैन से वोल बस्ती ही फ्रॉम यदा, यार काफ़ी ज़्यादा ऊंचा और काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त और मस्त है यार, देख रहे हो पूरा नज़ारा ले सकते हो आप इस टावर से, पूरा नज़ारा, वो सामने एक मस्जिद दिख रही है, वो
भाई मैं सोचूं यार मैंने ये कैसे मिस कर दिया, इतना जूम नहीं होगा। और यहाँ पर ये दूरबीन भी लगी है देखने के लिए, इट इज वर्किंग। यार बड़ी दूर तक इसमें दिख रहा है, इसे चेक कर सकते हो। ये देखो ये जो मकबरा दिख रहा है ना, ये उनका है, क्या कहते हैं, एक बाबा करके नाम है, मुझे कायदे से याद नहीं, मैंने वीडियो बनाई है इनकी। ये और इस तरफ क्या दिखाऊं आपको, वो दिखाता हूँ, इस तरफ कुछ और दिख जाए। काफी तगड़ा नजारा है यार, काफी तगड़ा। ऊपर से यार कहूंगी ये मैंने कैसे मिस कर दिया यार, 5,000 रुपए, 50,000 रुपए सोम, मतलब सोम इसके लिए देना मुझे कुछ भारी नहीं पड़ा, कुछ मेरे लिए मतलब इतना भारी नहीं था, क्योंकि ऊपर से जो नजारा दिख रहा है ना, ये पूरे दिल को कैप्चर कर रहा है यार। ये देखो सनसेट, और यहाँ कुआलालंपुर भी मेंशन किया है यार। ये देखो 5,686 किलोमीटर यहाँ से कोलंबो मेंशन किया है, मस्कट, इस्पहान, मतलब कई सारे आप यहाँ से, मतलब उसकी डायरेक्शन भी दिया है कि इतनी डायरेक्शन में, ये जैसे टोक्यो, व्लादिवोस्तोक, सियोल, शार्कीस्ट। सनसेट बड़ा ज़बरदस्त है यहाँ से, और ये पूरा रेगिस्तान का इलाका है यार। आसपास आप देखो तो आपको धुंधला दिख रहा होगा, धुंधला मतलब कायदे से दिख नहीं रहा होगा, वो सामने देख रहे हो ये सिमेट्री है, कब्रिस्तान, और काफ़ी बड़ी सिमेट्री है, काफ़ी खतरनाक। पाँच हजार वही पड़ गया, चार सौ रुपये करीब पड़ गया, ठीक ही है इतना, इससे ज़्यादा तो इन सब जगहों में जाने पे लग गया, जबकि अंदर कुछ नहीं था यार, सिर्फ हिस्ट्री भरी पड़ी थी और थोड़े बहुत चीज़ थे बस। दिल खुश हो गया यार यहाँ पे आके, दिल खुश हो गया। ये था इसके सनसेट का नज़ारा, और रात की थोड़ी बहुत फोटो आपने देखी होगी वीडियो, और इसी के साथ करता हूँ इस वीडियो को एंड। दिल खुश हो गया यहाँ पे आके, अभी रात का जो व्यू होता है ना साथ, जब चारों तरफ लाइटें वगैरह जलेंगी शहर में, वो व्यू आपके साथ शेयर करता हूँ थोड़ी देर में, यहाँ वेट करूंगा। और सबसे अच्छी बात है ना कि एक दिन में आप ले लो, और आप चाहो तो पूरा टाइम यहाँ बिता सकते हो, रात को 11 बजे तक 50,000 रुपये में, मतलब इंडियन समथिंग 400-500 रुपये करीब पड़ा, 500 रुपये लगते हैं, लेकिन ऊपर से जो व्यू आता है वो बड़ा ख़तरनाक है। वैसे हर जगह यहाँ विज़िट करने में पैसे पड़ते ही हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप फ्री में विज़िट कर सको, सिवाय मस्जिद की, क्योंकि मस्जिद की खूबसूरती देखनी है आपको तो वो आप फ्री में विज़िट कर सकते हो, बाकी और जगह फ्री में आप विज़िट नहीं कर सकते। लुक और नज़ारा पीछे का सनसेट देख के दिल खुश हो गया, मैं अपना गोप्रो लाना भूल गया, वरना फिर और अच्छे से शूट करता, एकदम स्टेबल वीडियो आती। खैर कोई बात नहीं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसके साथ ही करता हूँ इस वीडियो का एंड, थोड़ा बहुत नाइट का लैंडस्केप दिखाऊंगा, बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्यार सपोर्ट दिखाने के लिए शुक्रिया। आपको एक खुशखबरी दे दूँ कि मेरा ईरान का जो कन्फर्मेशन लेटर है वो मिल गया है, अब मुझे एम्बेसी विज़िट करना है, लगभग ताशकंद एम्बेसी जाना है, ईरान की एम्बेसी, वहाँ पर विज़िट करके पासपोर्ट सबमिट करना है और वहाँ से वीज़ा ले लेना, वीज़ा मिल जाएगा फिर मेरी जर्नी फिर से स्टार्ट हो जाएगी, अभी तो मैं बुखारा में रुका हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार सपोर्ट बनाए रखें।